चिंपू एनिमे सीरीज को आपने जरूर देखा होगा। इस एनिमे सीरीज को चिंपू भी कहा जाता है। क्या आपको पता है चिंपू एनिमे सीरीज और डोरेमोन एनिमे सीरीज में कुछ चीज़ें एक जैसे हैं? तो यहाँ पर हम चिंपू एनिमे सीरीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 पर। चिंपू एनिमे सीरीज को फुजिको या फुजियो ने लिखा है, और ठीक इसी प्रकार डोरेमोन एनिमे सीरीज को भी फुजिको या फुजियो ने लिखा है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 पर। जिस प्रकार चिंपू एनिमे सीरीज के एपिसोड को टीवी असाही पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था, ठीक उसी प्रकार डोरेमोन एनिमे सीरीज के एपिसोड्स को भी टीवी असाही पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 पर। चिंपू का फर्स्ट एपिसोड टीवी पर 2 नवंबर 1989 को रिलीज किया गया था, और इसका लास्ट एपिसोड टीवी पर 18 अप्रैल 1991 को रिलीज किया गया था। इस सीरीज के अब तक 112 एपिसोड्स हैं। चिंपू सीरीज की एक मूवी भी है जिसका नाम चिंपू एरिसामा कात्सुदो दाइसासिन है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 पर। चिंपू सीरीज ने डोरेमोन सीरीज जितनी पॉपुलैरिटी तो हासिल नहीं की, पर चिंपू सीरीज को एशिया में थोड़ी बहुत सफलता मिली है। इसलिए यह सीरीज इंडिया में डिज्नी XD हंगामा टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया, और यहां तक कि इस सीरीज को डिस्कवरी किड्स पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया है, और इसके एपिसोड हिंदी में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 पर। चिंपू की जो स्टोरी है इसमें एक बड़ा सा माउस होता है जो कि एक एलियन होता है, और वो अर्थ की एक लड़की जिसका नाम एरी होता है उसके पास आती है ताकि वो एरी को मना सके कि वो प्रिंस से शादी कर ले। इसकी स्टोरी के बारे में जानकर आपको डोरेमोन की स्टोरी की तो याद जरूर आई होगी, क्योंकि जिस तरह से डोरेमोन नोबिता का हेल्प करने के लिए फ्यूचर से आता है, ठीक उसी प्रकार चिंपू भी एरी का हेल्प करने के लिए दूसरे प्लैनेट से आता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। आप सब ने चिंपू एनिमे सीरीज में एक डॉग का तो जरूर देखा होगा जो कि चिंपू से मिलने आता है, पर इस डॉग का नाम वंडर यू होता है, और एरी इस डॉग को ग्रैंडमा वाडा भी बुलाती है। कभी कभी डॉग एरी की हेल्प तो कर देता है, पर यह डॉग एरी से ज़्यादातर नफरत करता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। आप सब ने इस सीरीज में एक लड़के को तो देखा होगा जिसका नाम उचिकी होता है, और एरी उचिकी को ही पसंद करती है। यह ठीक डोरेमोन सीरीज जैसा है जिसमें नोबिता सिर्फ सुजुका को ही पसंद करता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। ओएमा जो कि एरी के बेस्ट फ्रेंड उचिकी को परेशान करता है, यह ठीक डोरेमोन के जियान की तरह होता है जो हर वक्त नोबिता को परेशान करता है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट पर। प्रिंस लुलाब जो कि चिंपू को एरी के पास भेजती है, पर प्रिंस लुलाब एरी से शादी करना भी चाहता है, पर एरी उचिकी को सिर्फ पसंद करती है। चिंपू सीरीज में प्रिंस लुलाब का फेस कभी भी दिखाया नहीं गया है, पर कई बार चिंपू कहती है प्रिंस लुलाब बहुत ही आकर्षणीय है, पर एरी के बुरे सपने में सिर्फ प्रिंस लुलाब ही दिखता है। इसका मतलब है कि एरी प्रिंस लुलाब को पसंद नहीं करती है। अब बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट्स पर। चिंपू के पास मैजिकल पावर होता है, और डोरेमोन के पास गैजेट्स होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चिंपू एनिमे सीरीज और डोरेमोन एनिमे सीरीज दोनों में कुछ चीज़ें बिल्कुल एक जैसी है। यह थे चिंपू से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आपको इसमें से कौन सा फैक्ट्स ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ।